नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप लोगों को मैं पूर्व में संविधान से संबंधित काफ़ी बातें बता चुका हूं और निश्चित ही आप सभी बच्चों ने पूर्व के सभी वीडियोस देख ले होंगे। कल के वीडियो में हमने बातचीत जो की थी बच्चों बेसिक फंडामेंटल राइट्स की, हमारे देश के मौलिक अधिकारों से संबंधित काफ़ी सारे प्रावधानों की हम लोगों ने बातचीत की थी। कल हमने मौलिक अधिकारों का एक बहुत बढ़िया परिचय देखा था। मेरे ख्याल से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न बनाती है तो निश्चित ही कल के वीडियो में से मौलिक अधिकारों के परिचय से संबंधित तमाम प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में मिल जाएंगे, ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। नेक्स्ट हम बातचीत करने वाले हैं आज समानता के अधिकार की बच्चों, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप लोग पुनः ध्यान रखेंगे कि हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार सरकार के द्वारा, जो अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं वह मौलिक अधिकार होते हैं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक कर रखा है। कल हमने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 की बहुत बढ़िया और अच्छी तरीके से बातचीत कर ली थी, आपके बढ़िया समझ में आया होगा। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं बच्चों, आज हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा समानता का अधिकार। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 15 तक हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी तैयार हो जाता है कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 15 तक। दूसरा प्रश्न बच्चों ये तैयार होता है कि समानता के अधिकार में कितनी प्रकार की समानताएं दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। काफी सारे बच्चे जिस प्रश्न को गलती कर देते हैं क्योंकि वो 14 से 18, आप लोग ध्यान रखेंगे 14 से 18, तो काफ़ी सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि इसे गलती कर देते हैं, जो 18 में से 14 बाकी निकाल देते हैं और 4 बता देते हैं, जबकि ये गलत है। 14, 15, 16, 17 और 18 कितनी प्रकार की समानताओं का उल्लेख कर रखा है बच्चों, 5 प्रकार की समानता। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक कितने प्रकार की समानताओं का उल्लेख कर रखा है, 5 प्रकार की समानताओं का उल्लेख कर रखा है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में हम लोगों को कितनी समानताएं दी गई है बच्चों, 5 समानता, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि काफ़ी सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आती है कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है, तो आप लोगों को ऐसी चिंता नहीं करनी है। आप लोग प्लीज़ एक बार पूरा इसे देख लेंगे और लास्ट में मैं आपको 14 से 18 की ऐसी ट्रिक बता करके जाऊँगा कि आप इसे लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। आपसे कोई भी पूछेगा तो आप फटाफट से बता देंगे कि 14 में विधि के समक्ष समानता है, 15 में भेदभाव है, 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है, 17 में स्पर्शता का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत है। लेकिन हम इनकी व्याख्या को समझ लेते हैं, फिर मैं इनके एक ट्रिक भी बताऊंगा कि ये कैसे याद की जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, कितने प्रकार की समानताओं का उल्लेख कर रखा है या भारतीय संविधान में हमें कितने प्रकार की समानताएँ प्रदान की गई है, 5 प्रकार की समानताएँ प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम बातचीत कर लेते हैं बच्चों कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है, इस विषय में आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किस बात का उल्लेख करता है वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंदर जो बताया गया है वो इस प्रकार उल्लेख किया गया है कि विधि के समक्ष समानता, भारत के जो सभी नागरिक होंगे वो विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समान होंगे। विधि के समक्ष समानता, भारतीय संविधान विधि के समक्ष किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। जो राज्य हमने सीखा था अनुच्छेद 12 के अंदर, तो राज्य में आने वाली तमाम संस्थाएं हम लोगों को विधि के समक्ष समान रखेगी, हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, सभी लोगों को विधि के समक्ष बराबर रखा जाएगा, विधि के समक्ष समानता रखी जाएगी।
ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो विधि के समक्ष समानता अगर हम बातचीत करते हैं तो ये सिर्फ शब्दों को हम लोगों ने कहाँ से सीखा, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। विधि के समक्ष समानता हम लोगों ने कहाँ से लिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इंग्लैंड। कहाँ से लिए बच्चों, इंग्लैंड से लिए। और इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डाइसी। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, विधि के समक्ष समानता का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, डाइसी ने दिया है। और डाइसी का जो कॉन्सेप्ट था उसका मूल नाम था विधि का शासन। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विधि का शासन। तो डाइसी का जो कॉन्सेप्ट था विधि का शासन, इसी विधि के शासन से हम विधि के समक्ष समानता लेकर के आए हैं। और ये हम लोगों ने कहाँ से लिए कि हम सब लोग कानून के समक्ष समान होंगे, ये सारी बातें हम लोगों ने कहाँ से सीखी है बच्चों, ये हमने सीखी है इंग्लैंड से। और इसकी जो जनक है, इसकी जो प्रवर्तक हैं, इसको जो लेकर के आए थे, इस कॉन्सेप्ट को जो देने वाले थे वो कौन थे, डाइसी थे। कभी कभार परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि डाइसी का संबंध किस देश से था, इंग्लैंड से था। इन्होंने क्या दिया, विधि का शासन दिया। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। बहुत सारी परीक्षाओं में बच्चों इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि भारत में किसका शासन है, भारत में किसका शासन है। आप लोगों को ऑप्शन दे देंगे कि भारत में संविधान का शासन है, भारत में जनता का शासन है, या भारत में नेताओं का शासन है, या भारत में विधि का शासन है। तो इसमें कई सारे बच्चे जो या तो नेताओं का शासन करेंगे या फिर जनता का शासन करेंगे, लेकिन भारत में किसका शासन है, भारत में विधि का शासन है। और इस बात का उल्लेख जो कर रखा है बच्चों, ये कहाँ कर रखा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे विधि के समक्ष समानता में। और ये आपको देखने को कहाँ पर मिलेगी बच्चों, अनुच्छेद 14 में मिलेगी। आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 14 की जो स्पष्ट बात हुई वो तो ये हुई, अनुच्छेद 14 में दो बातों का उल्लेख कर रखा है। पहली बात, आप सभी नागरिक विधि के समक्ष समान होंगे, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ में ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 14 जो है ये विदेशीय नागरिकों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसे भी प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। इस प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये विधि के समक्ष समानता विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। ये तो है बात नंबर एक अनुच्छेद 14 की, कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता दी गई है। इंग्लैंड के जो डाइसी थे उन्होंने विधि का शासन नामक एक कॉन्सेप्ट हमें दिया, और इस विधि के शासन से हमने विधि के समक्ष समानता लिखी है। और इस बात का उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 14 के अंदर है। अनुच्छेद 14 विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। अब हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 14 के दूसरे कॉन्सेप्ट के, कि अनुच्छेद 14 में और दूसरी बात क्या लिख रखी है। तो देखो अनुच्छेद 13 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा विधि शब्द की व्याख्या, साथ में विधि की व्याख्या करने का संरक्षण, कि विधियों की व्याख्या का जो तरीका है उन तरीकों का भी संरक्षण कर रखा है अनुच्छेद 13 में। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि विधियों की व्याख्या का समान संरक्षण जो किया जाएगा, विधियों की व्याख्या वहां पर की गई है अनुच्छेद 13 के अंदर। अल्पीकरण और न्यायिक पुनरावलोकन का मूल आधार में आप लोगों को बता चुका हूं कल के वीडियो में। तो विधियों की व्याख्या का जो समान संरक्षण किया गया था वह व्याख्या करने के तरीका का किया गया था कल। आज बच्चों विधि का ही आप लोगों से पूछ लिया जाए, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। तो आप लोग ध्यान रखेंगे विधि का समान संरक्षण, विधि के व्याख्या करने के तरीके का जो संरक्षण किया गया है वह अनुच्छेद 13 में है। जबकि विधि का समान संरक्षण आप लोगों से पूछ लिया जाए बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये बात है अनुच्छेद 14 के अंदर। तो निश्चित ही बच्चों आप लोगों के अनुच्छेद 14 समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अब हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 15 की, कि अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम बातचीत कर रहे थे अनुच्छेद 15 की, कि अनुच्छेद 15 में जरा क्या लिखा हुआ है उसे भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 15 में बच्चों भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 के तहत हम किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 15 के अंदर भेदभाव के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 15 के तहत जाति के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। देखो भेदभाव का निषेध, हमने जो फंडामेंटल राइट्स है उनके नेचर
नेचर देखे थे और इनके नेचर कैसे थे बच्चों, निषेधात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक, क्योंकि ये मना करते हैं, निषेध करते हैं, ऐसा नहीं होगा, भेदभाव का निषेध मना कर रहा है। अब जाति के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। आप धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते, आप मूल वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते, आप लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते और आप जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। तो आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 15 में भेदभाव के कितने आधार बताए गए हैं, तो नंबर 1 जाति, नंबर 2 धर्म, नंबर 3 मूल वंश, नंबर 4 लिंग और नंबर 5 जन्म स्थान, इन 5 आधार रखे गए। इन 5 आधारों के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 15 में कितने आधारों का उल्लेख कर रखा है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता है। तो अनुच्छेद 15 में 5 आधारों का उल्लेख कर रखा है और इन 5ों के आधार पर ही आप किसी के साथ क्या नहीं कर सकते बच्चों, भेदभाव नहीं कर सकते। जरा अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2) में किस बात का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 15(2) में सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का निषेध है। सार्वजनिक जो स्थान है, जैसे हमारे मंदिर है, हमारे खेल के मैदान है, हमारे हॉस्पिटल हैं, हमारे तालाब हैं, हमारे कुएं हैं, ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर आप लोग ध्यान रखेंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर भी बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे कि भेदभाव का निषेध कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15(2) के तहत बताया गया है। इसके बाद हम बातचीत करते हैं बच्चों अनुच्छेद 15(3) की। तो अनुच्छेद 15(3) में स्त्री, बालक और दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान है। स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं और दिव्यांगों के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति जो नकारात्मक है तो कैसा लिख रखा है कि स्त्री, बालकों और दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए नहीं रोका जा सकता, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी अभी हम अनुच्छेद 14 में पढ़ करके आए हैं कि विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता डायसी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि स्त्री, बालक और दिव्यांगों के लिए अलग से प्रावधान कर सकते हैं और इसमें राज्य हमें नहीं रोक सकता, क्योंकि कोई भी दिव्यांग है, अपन जो काम करेंगे वो उसे नहीं होगा। इसके अलावा छोटे बालकों के लिए भी अलग नियम बना सकते हैं और स्त्रियों के लिए भी अलग नियम बना सकते हैं। आप लोगों को तो पता भी होगा आजकल रोडवेज बसों में भी स्त्रियों के लिए अलग से सीट आती है, दिव्यांगों के लिए अलग से सीट आती है, तो इस बारे में विशेष उपबंध इनके लिए हम कर सकते हैं, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस बात का उल्लेख कहां पर लिखा गया है, अनुच्छेद 3 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 इसी बात की व्याख्या करता है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि सामाजिक व शिक्षा क्षेत्र में, सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हैं, एसटी एससी हैं, इनके लिए विशेष उपबंध है। आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि जब हमारा संविधान को हम जो लागू कर रहे थे उस वक्त होता क्या है, किस प्रकार के प्रावधान तो थे, लेकिन आरक्षण पे मैं आपको अलग से एक बहुत बढ़िया वीडियो के किस प्रकार इसे लागू किया गया था, कहां से कहां तक, अनुच्छेद 330, 331, 332, 333 और 334 में क्या लिखा हुआ है, ये सारी बातें मैं आपको उस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। लेकिन यहां पर होता क्या है कि बच्चों जो सामाजिक रूप से, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए जो शैक्षणिक संस्थाएँ, जो हमारी सामान्य शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, उनके अंदर प्रवेश देने से संबंधित आरक्षण जो प्रदान किया गया है वह कहां पर किया गया है, अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 15(4) एसटी एससी के व्यक्तियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा बच्चों कि इनको तो प्रारंभ से ही आरक्षण दिया गया था, तो जरा आप लोग ध्यान रखेंगे प्रारंभ से ये वाला आरक्षण नहीं दिया गया था। प्रारंभ में हमारे संविधान में आरक्षण की ऐसी व्यवस्थाएं की थी कि लोकसभा है, यहाँ से हमारे राज्यसभा हैं, इसके अलावा हम बातचीत करते हैं तो हमारी विधानसभा हैं, तो इनके अंदर एसटी एससी की जनसंख्या के अनुपात में बच्चों इनको क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन
तीन प्रकार के उस वक्त आरक्षण का उल्लेख नहीं था, उस वक्त राजनीतिक रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में बताया गया था। वर्तमान में तीन प्रकार के आरक्षण चला करते हैं, सबसे पहले राजनीतिक आरक्षण, फिर सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित आरक्षण। तो यहाँ पर जो आरक्षण दिया गया है वो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित दिया गया है। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 की सारी बातें मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की अनुसूची 9 जोड़ी थी वहां पर कर चुका हूं कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ही किया गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थी बात सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों को जैसे एसटी और एससी के लिए विशेष उपबंध हम लोग बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं। तो इन्होंने जो आरक्षण दिया केवल सामान्य शिक्षा के क्षेत्रों में दिया, जैसे हमारे स्कूल है, कॉलेज हैं, इसके अलावा हमारे डिग्री कॉलेज हैं इत्यादि में। लेकिन जो हमारा हाई शिक्षा का क्षेत्र है, उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, जैसे एम्स है, डॉक्टर हैं आदि सारे में इन्होंने क्या किया कि इसे आरक्षण नहीं दिया। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जो ऐसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। और इस बात को चुनौती जब कोर्ट में दी गई तो कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि नहीं, बात बिल्कुल सही है और इन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो इन्होंने एक संविधान संशोधन किया बच्चों, ध्यान रखेंगे 93वां संविधान संशोधन 2006 में। और 93वें संविधान संशोधन 2006 के तहत पिछड़े वर्गों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रवेश की इजाजत अनुमति दे दी गई, प्रवेश से संबंधित आरक्षण इनको प्रदान कर दिया गया था। ये थी बात बच्चों अनुच्छेद 15(5) की। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 5 के अंदर क्या अंतर है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 4 केवल सामान्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देता है, जबकि अनुच्छेद 15(5) जो है बच्चों ये उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी क्या देता है, इनको प्रवेश की अनुमति देता है, इनको जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण देता है और ये अब वहाँ जाकर के क्या कर सकते हैं, उनमें प्रवेश ले सकते हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे ये था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध किया गया है। अब भेदभाव का निषेध कितने आधार पर, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, 5 आधार बताए गए हैं। सार्वजनिक स्थान जो हमारे मंदिर हैं, इसके अलावा तालाब हैं, हॉस्पिटल हैं, खेल के मैदान हैं, इनके अंदर भी आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते। स्त्री और बालकों के, दिव्यांगों के लिए हम विशेष प्रावधान अगर बनाते हैं तो उन्हें भी हम नहीं रोक सकते, इस बात का उल्लेख 3 में। और सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष उपबंध जो एसटी एससी के लिए किया है केवल सामान्य शिक्षा के लिए, सिंपल एजुकेशन के लिए, वह 15(4) में किया गया है। और अनुच्छेद 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15(5) की हम बातचीत करते हैं तो पिछड़े वर्गों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देने की जो अनुमति, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी इन्हें आरक्षण का जो व्यवस्थाएं की गई है वो बच्चों 93वें संविधान संशोधन 2006 के तहत की गई है। इसके तहत अब ये उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी बात अनुच्छेद 15 की। अब हम जरा बातचीत करेंगे अनुच्छेद 16 के विषय में। तो आप लोग अनुच्छेद 16 को जानने से पहले प्लीज़ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि फिर मैं अनुच्छेद 16 आप लोगों को बता सकूं। तो हम बातचीत कर रहे थे अनुच्छेद 16 के विषय में। अनुच्छेद 15 आप लोग जान गए भेदभाव का निषेध, और हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 16 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 16 किस बात का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 16 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है लोक नियोजन में अवसर की समानता। आप लोग ध्यान रखेंगे कहीं पर भी रोजगार प्राप्त करने में आप लोगों को समान अवसर दिया जाएगा, लोक नियोजन में आप लोगों को अवसर की समानताएँ दी जाएगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी वैकेंसी निकली तो वही वर्ग के फॉर्म भर सकते हैं या वही फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है। लोक नियोजन में सभी लोगों को बराबर समान अवसर दिया जाएगा, रोजगार प्राप्त करने के लिए सभी को समान अवसर दिया जाएगा। इस बात का उल्लेख बच्चों जो हमारे संविधान में कर रखा है वह कहाँ पर कर रखा है, अनुच्छेद 16(1) के अंदर। भारतीय संविधान का आर्टिकल 16(1) इस बात का उल्लेख करता है कि लोक नियोजन में, रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1) करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(2) भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 16(2) इस बात का उल्लेख करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव, ये कुल बच्चों 7 आधार हैं, आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 15 में कितने आधार थे? 5। और अनुच्छेद 15 के 5 आधारों के अलावा 2 आधार और जोड़ दिए हैं, निवास और उद्भव के आधार पर सरकारी सेवाओं में आने से नहीं रोका जा सकता। धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, निवास है और उद्भव है। इन 7 आधारों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवाओं में आने से नहीं रोक सकते। इस बात का उल्लेख जो कर रखा है वो कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में। और अनुच्छेद 16(2) में कुल कितने आधारों की बात की गई है? 7 आधारों की, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अनुच्छेद 16(3) जरा क्या कहता है, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है निवास के आधार पर, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य अपने निवासियों को सरकारी सेवाओं में विशेष प्रावधान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जिसे हम राजस्थान राज्य के हैं, तो राजस्थान यहाँ के व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राजस्थान राज्य इस निवास के आधार पर थोड़ा बहुत भेदभाव कर सकता है। जैसा अभी चल रहा था कि बाहरी राज्यों का कोटा कम किया जाए, हमारे यहाँ के राज्यों का ही कोटा ज़्यादा रखा जाए सरकारी सेवाओं में, तो इस बात का जो उल्लेख कर रखा है कि राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, वो किसके आधार पर करेगा? निवास के आधार पर, और अपने निवासियों को विशेष प्रावधान ये दे सकता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, इस बात का निर्णय कौन करेगा? इस बात का जो निर्णय डिसीजन लेगा वह संसद लेगी बच्चों, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 16(4) की। तो अनुच्छेद 16(4) में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले वर्ग को, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व जो हम आरक्षण पढ़ रहे थे वह शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित आरक्षण था। अब हम जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, हमारे यहाँ के समाज का ऐसा वर्ग जो अभी भी सरकारी नौकरियों में नहीं आया है, जिनका प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है, ऐसे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले व्यक्तियों को सरकार क्या कर सकती है बच्चों? सरकारी नौकरी में आरक्षण दे सकती है। लेकिन अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले वर्ग की पहचान कौन करेगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए अनुच्छेद 16(4) में इस बात का उल्लेख कर रखा है कि ऐसा डिसीजन कौन लेगा? भारत का राष्ट्रपति लेगा। और भारत का राष्ट्रपति अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को जानने के लिए क्या करेगा? अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग का गठन करेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 340 में जो आयोग का गठन करेगा, ये आयोग इसकी जांच करेगा कि वास्तव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। आप लोगों को पता होगा कि 1953 के अंदर काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। 1953 में काका कालेलकर आयोग के गठन के पश्चात काफ़ी सारे जो सुधार हमारे यहाँ पर किए गए थे इसके संबंध में, और STSC का वर्तमान में इन्हीं के कारण बढ़िया उचित मात्रा में अभी प्रतिनिधित्व हो रहा है। फिर भी मेरे काफ़ी सारे भाई लोग अभी पिछड़े हुए हैं, तो कुछ ही दिनों में सबकी स्थितियाँ ठीक हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति इस बात का निर्णय लेता है। राष्ट्रपति ध्यान रखेंगे 340 के तहत एक आयोग का गठन करेगा और आयोग उसकी जांच करेगी कि ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है। अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे उसको सरकारी में क्या दे दिया जाएगा? आरक्षण दे दिया जाएगा, जैसा अभी दिया गया है। आप लोगों को पता होगा सामान्य वर्ग को आर्थिक, पहले कोर्ट ने मना कर दिया था कि आर्थिक आधार पर हमारे संविधान में कोई शब्द उल्लेखित नहीं है, आर्थिक आधार पर हम आरक्षण नहीं दे सकते, कोर्ट ने मना कर दिया था। लेकिन न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनः निरीक्षण जैसी शक्तियां प्राप्त हैं, और अपने न्याय के विरुद्ध अपने न्याय को जांच करके दोबारा फैसला सुना सकती है, उसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। और इसका प्रयोग करके उन्होंने बाद में बता दिया, ऐसे आयोग ने भी बता दिया कि इनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इन्हें भी आरक्षण प्रदान कर दिया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थी बात बच्चों अनुच्छेद 16 की। अब हम अनुच्छेद 16 का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 17 की, जो अपने आप में बहुत बढ़िया और बहुत सीधा, बहुत सिंपल है। अनुच्छेद 17 में जरा क्या लिखा हुआ है आप लोग देख लेंगे। तो बच्चों अनुच्छेद आप लोगों ने शायद ले लिया होगा, अनुच्छेद 17
अस्पर्शता का अंत करता है। कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि अनुच्छेद 17 में क्या उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 17 अस्पर्शता का अंत करता है, जिसे हम किसी के टच हो जाते हैं, फिर कोई बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते हैं कि छुआछूत करते हैं, तो आप किसी के भी साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और छुआछूत को निषेध कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 17 में किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, और अनुच्छेद 17 में बच्चों अस्पर्शता का अंत किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अस्पर्शता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है। अब आप लोग छुआछूत क्या बना दिया गया बच्चों, अपराध बना दिया गया। आप किसी के साथ छुआछूत करते हैं, इसका मतलब आप अपराध हैं और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो भारतीय संविधान में छुआछूत का अंत जो किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 17 में। अब हम बातचीत करते हैं बच्चों अनुच्छेद 18 की। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उपाधियों का अंत, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है किन्हें छोड़ करके, शिक्षा को छोड़ करके, जिसे शिक्षा में हम डॉक्टर की उपाधि ले लेते हैं, नेट की उपाधि ले लेते हैं, तो शिक्षा व सेना, सेना में भी बहुत सारी उपाधियां होती है, परमवीर चक्र दिया जाता है, वीर चक्र दिया जाता है, तो शिक्षा और सेना को छोड़ करके तमाम उपाधियों का भारत में क्या कर दिया गया है बच्चों, अंत कर दिया गया है। और उपाधियों का अंत जो बताया गया है वो कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 18 में। भारत का कोई भी व्यक्ति या भारत सरकार के लाभ के पद पर काम करता हुआ कोई भी व्यक्ति विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई भी भारतीय उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता विदेश से, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विदेश से कोई भी भारतीय उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, शिक्षा व सेना को छोड़कर। शिक्षा में भी कई सारी उपाधियां वर्तमान में दी जा रही हैं, सेना में भी कई सारी उपाधियां जो दे दी जाती हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत का कोई भी व्यक्ति या भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्य करता हुआ कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 की अगर हम बातचीत करें तो अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत का सबसे बड़ी उपाधि, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो भारत रत्न अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत रत्न की जो आकृति होती है बच्चों, ये भी आप सामान्य ध्यान रखेंगे, पीपल के पत्ते के समान होती है, पीपल के पत्ते के समान होती है। तो ये थी बच्चों बात अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 की। अब मैं आप लोगों को, मैंने एक वादा किया था कि मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से इनके विषय में बताऊंगा। अब जिन भी बच्चों को अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक याद करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं अभी आप लोगों को सोल्व करवा देता हूं। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को लास्ट में दे रहा हूं। आप एक मिनट ले लेंगे इसका, फिर हम बातचीत करते हैं आगे। और अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक आप लोग कैसे सीखेंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग इनको व्याख्या सहित जान चुके हैं, अब आप इनकी व्याख्या तो कर देंगे, लेकिन हम इनका क्रम कैसे ध्यान रखेंगे। तो क्रम के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे 14, फिर लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे 17 और फिर लिखेंगे 18। देखो सबसे पहले क्या किया गया है बच्चों, सबसे पहले क्या किया गया है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में आपको क्या मिलेगा, विधि के समक्ष समानता। मैं थोड़ा छोट लिख रहा हूँ, आप लोग फिर बनाते रहना, क्योंकि आप खुद प्रयास करेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में भी क्या किया गया है, भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, जो आप लोग जान ही गए, इनकी पूरी व्याख्या मैंने कर दी है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, इनको याद कर रहे हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। और अनुच्छेद 17 में क्या है बच्चों, अस्पर्शता का अंत किया गया है, तो ये मैंने भी यहाँ पर लिख दिया, अस्पर्शता का अंत। और अनुच्छेद 18 में क्या किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है, तो ये मैंने भी लिख दिया, उपाधियों का अंत। अब हम देखते हैं कि इन्हें कैसे ध्यान रखें।
रखेंगे। तो 14, 15, 16, 17 और 18 इनको आप लोग क्रम से ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले हमने शब्द लिया वी, तो वी को यहाँ पर लिख दिया। भे से क्या लिया बच्चों, भे, और भे को लिख दिया। और लो से क्या लिया, लो, विभे लो। आप लोग शब्द क्या बना लेंगे, विभे लो। अब जब भी समानता का अधिकार आए तो आप लोगों के दिमाग में विभे लो आ जाना चाहिए। वी का मतलब विधि के समक्ष समानता, भे का मतलब भेदभाव का निषेध, लो का मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता। विभे लो अस्पर्शता की, ट्रिक ध्यान रखेंगे, अस्पर्शता की उपाधि लो। और बच्चों अगर आपको ये याद हो जाती है, अगर आपने ये इसको पढ़ लिया एक बार, इसकी व्याख्या कर ली, तो फिर आप इसको खुद ही बना लेंगे। ट्रिक को आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने इसको पहले व्याख्या सहित वीडियो पूरा देखा है तो। विभे लो अस्पर्शता की उपाधि लो। वी का मतलब विधि के समक्ष समानता, वे का मतलब भेदभाव का निषेध, और लो का मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता, और अस्पर्शता अनुच्छेद 17 में अस्पर्शता का अंत, और उपाधि मतलब उपाधियों का अंत। तो बच्चों आपको निश्चित ही हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको जाते जाते मैं एक और बहुत बढ़िया बात यहाँ पर बता देता हूँ कि आरक्षण से संबंधित क्या प्रावधान है। तो एक मिनट आप इस ट्रिक का भी जो ले लेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद रख पाए। वी से जो विधि के समक्ष, बे से भेदभाव, लो से लोक नियोजन, और 17 में अस्पर्शता, और 18 में उपाधि आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछे तो भी आपके नॉलेज में होना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए। हमारे देश में जो आरक्षण दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है किसके आधार पर, जनसंख्या के राज्य में या देश में जनसंख्या के अनुपात में। जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वह किसके अनुसार किया गया है, जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। जरा आप लोग ये ध्यान रखेंगे। अब जनसंख्या के अनुपात में देखो, एक तो राज्य का होगा, राज्य सरकार भी आप लोगों को देगी कि राज्य में हमारे कुल राज्य की जनसंख्या के अनुपात में एसटी एससी ओबीसी कितनी रहती है, और एक देश में, एक संपूर्ण देश की जनसंख्या के अनुपात में कितनी रहती है। तो राज्य की अगर हम बातचीत करते हैं बच्चों, सबसे पहले शेड्यूल कास्ट की, एसी के, तो हमारे यहाँ पर एसी को कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है राजस्थान में, मैं राजस्थान भी लिख देता हूँ, अलग अलग राज्यों का अलग अलग हो सकता है। तो इस शेड्यूल कास्ट एसी को जो आरक्षण दिया गया है बच्चों, वह 16 को दिया गया है, 16%, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान राज्य में शेड्यूल कास्ट को कितना आरक्षण दिया गया, 16। आरक्षण किस आधार पर देते हैं, देश में या राज्य में, अगर राज्य में दे रहे हो तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर, और देश में दे रहे हो तो देश की जनसंख्या के आधार पर। तो हमारे राजस्थान राज्य की जनसंख्या के आधार पर एसी को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, 16%। और देश की अगर हम बातचीत करते हैं तो संपूर्ण देश में एसी को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है बच्चों, 15%। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शेड्यूल ट्राइब्स, हम अनुसूचित जनजाति की बातचीत करते हैं तो संपूर्ण भारत, हमारे राजस्थान के अंदर इनको कितना दिया गया है, 12%। एसटी के लोगों को राजस्थान राज्य ने कितना आरक्षण दे रखा है, 12%। और अगर हम देश की बातचीत करते हैं तो संपूर्ण देश में इनको कितने परसेंट आरक्षण है, 7.5%, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में होती है। और फिर अगर हम ओबीसी की बातचीत करते हैं तो हमारे राजस्थान में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण है बच्चों, 21%। और संपूर्ण भारत में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, 27%। निश्चित ही बच्चों आज की हमारी यह जानकारी आप लोगों के समझ में आई होगी। कल मैं आपको स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार लेकर के आऊँगा, जो आपको ट्रिक से मैं ये से याद करवा दूंगा, उसे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी क्लास को प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।